Hello everyone, I will be your teacher for this question. Let me explain this question to you. Let f be a twice differentiable function such that f double dash x is equal to minus fx and f dash x is equal to gx. Hx is equal to fx square plus gx ka whole square. If h5 is equal to 11, find h10. So, given इन दिस क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में गिवन है एफ ट्वाइस डिफरेंशियबल फंक्शन है एंड एफ डबल डैश एक्स गिवन है माइनस एफ एक्स के एंड एफ डैश एक्स गिवन है जी एक्स के इक्वल एंड एच एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स होल स्क्वायर प्लस जी एक्स होल स्क्वायर. नाउ हमें फाइंड आउट करना है एच फाइव गिवन है 11 के एंड फाइंड आउट एच 10 की क्या वैल्यू होगी. नाउ सॉल्यूशन, so gx, इस इक्वेशन को मैं फर्स्ट लेट कर लेता हूं, इसको सेकंड एंड इसे थर्ड. नाउ सबसे पहले मैं सेकंड इक्वेशन को देखता हूं. सेकंड इक्वेशन है मेरी f डैश x इज इक्वल टू gx. f डैश x इज इक्वल टू gx एंड एफ डैश मेरा ट्वाइस डिफरेंशियबल फंक्शन है. सो मैं इसको डिफरेंशिएट करता हूँ ऑन डिफरेंशिएशन, तो मेरे पास आ जाएगा एफ डबल डैश एक्स इज इक्वल टू जे डैश एक्स. नाउ इस इक्वेशन को मैं मान लूंगा अपनी फोर्थ इक्वेशन. अब हम लिखते हैं एच एक्स इज इक्वल टू फ्रॉम इक्वेशन थ्री एच एक्स इज इक्वल टू एच एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स होल स्क्वायर प्लस जी एक्स होल स्क्वायर. नाउ अब हम डिफ्रेंशिएट करेंगे एच एक्स को डिफरेंशिएशन. यह आ जाएगा एच डैश एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स, तो यह आ जाएगा टू एफ एक्स इंटू एफ डैश एक्स प्लस यहां से आ जाएगा टू जी एक्स इंटू जी डैश एक्स. नाउ हमें पता है एफ डैश एक्स इज इक्वल टू जी एक्स, एफ डैश एक्स इज इक्वल टू जी एक्स, तो हम यहां से लिख सकते हैं टू एफ एक्स टू एफ एक्स जी एक्स प्लस टू जी एक्स जी डैश एक्स. यहाँ से हम 2gx कॉमन ले लेंगे, 2gx कॉमन, यहाँ से मेरे पास आ जाएगा fx प्लस f g डैश x, fx प्लस g डैश x. नाउ मेरे पास g डैश x इक्वल आया है f डबल डैश x के. So, हम लिख देंगे यूजिंग इक्वेशन फोर वी गेट एच डैश एक्स इज इक्वल टू टू जी एक्स
एफ एक्स प्लस एफ डबल डैश एक्स। नाउ एफ डबल डैश एक्स, नाउ हमारे पास गिवन है एफ डबल डैश एक्स इज इक्वल टू माइनस एफ एक्स। सो हम लिख देंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एच डैश एक्स इज इक्वल टू टू जी एक्स एफ एक्स माइनस एफ एक्स। एफ एक्स यह आ जाएगा मेरा टू जी एक्स इंटू जीरो और एच डैश एक्स आएगा मेरा जीरो। एच डैश एक्स इज इक्वल टू जीरो। सो मुझे यहां से क्या मिला कि एच एक्स इज अ कॉन्स्टेंट फंक्शन। मेरा कॉन्स्टेंट फंक्शन का ही डिफरेंशिएशन हमेशा जीरो होता है। सो मैं कह सकता हूं एच एक्स इज अ कॉन्स्टेंट फंक्शन। सो यहां से क्या आ जाएगा एच एक्स वन इज इक्वल टू एच एक्स टू इज इक्वल टू एच एक्स थ्री इज इक्वल टू एंड सो ऑन इज इक्वल टू अ कॉन्स्टेंट सी। नाउ मुझे गिवन है एच फाइव इज इक्वल टू इलेवन, एच फाइव इज इक्वल टू इलेवन। सो मेरा एच टेन भी क्या इक्वल हो जाएगा एफ इलेवन के। एंड इट इज गिवन दैट एच फाइव इज इक्वल टू इलेवन, हैंस यस सो एच टेन इज ऑल्सो इक्वल टू इलेवन। आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस सॉल्यूशन। थैंक यू।